रखा था दीक्षा गोदयाल जी का कमेंट आ रखा था कि भाभी जी अगर हम इन बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बहुत अच्छा कमेंट था आपका और ज़रूर देना भी चाहिए यार। मैं भी यही कहती हूँ कि ज़रूर दें और इनका भी सपोर्ट करें यार। अगर किसी के पास जैसे कुछ अच्छा लगता है यार कुछ देने के लिए हो तो दे सकते हैं, क्यों करेंगे वो मना। तो मैंने उससे पूछा तो कह रहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा मना तो नहीं कर सकते, हम मना तो नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, वो भी खुश हो रखे हैं। बहुत अच्छा लगेगा उनको भी अगर मेरी वीडियो के माध्यम से उनको कुछ मिल जाए, सबसे बड़ी खुशी तो मुझे होगी। देखिए देखो ये किसने लिखा, अरे आपने लिखा बेटा। अरे वाह, ये देखो जो आलिया को मैंने परसों कॉफियां दी थी तो उसमें देखो कितना अच्छा लिख रखा उसने। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई बर्तन धो रहा है, कोई इधर उधर भाग रहे, बच्चे भी मस्त होके अंदर बाहर कर रहे हैं। अरे देखो ये अभी मार्केट से आई, कह रही कि अभी बर्तन धोने की मैंने दिन का खाना का। हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप सभी लोग। तो मम्मी के दिन की वीडियो की शुरुआत हो चुकी है 3 बजे। तो मतलब मैं पेपर देके आया था सुबह स्कूल में, हमारा पेपर था। हाँ, आजकल ना केविन के पेपर चल रहे हैं। हाँ, तो फिर मैं जैसे घर आया, मम्मी ने खाना बना रखा था, खाना खा लिया, अब जा रहा हूँ मैं अकेडमी और छाता लेके जा रहा हूँ। यहाँ के मौसम का भरोसा नहीं रहता। हाँ, ये तो सही कहा केविन ने कि यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी बारिश आ सकती है ना। हाँ, बाय बच्चा, बाय। तो कोई कह रहा होगा ना कि केविन का किट बैग क्यों नहीं है ना, तो कहाँ है केविन किट बैग? किट बैग तो अकेडमी में है, किट बैग अकेडमी में। हाँ, तो केविन कभी कभी लाता किट बैग है ना घर। जाओ फिर, बाय बाय। नमस्ते। तो ये है केविन के फ्रेंड, और केविन भी अपने फ्रेंड को रुका था यहाँ पे और निकल पड़े वो दोनों के दोनों। ऐसी होती है दोस्त के, पता उसने ना केविन को देखा और अपने दीदी को बोला कि मुझे यहीं पे छोड़ दे और मुझे केविन के साथ जाना है। दोस्ती ऐसी होती है। आज यहाँ का मौसम देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हो रखा है जो कि बहुत खूबसूरत हो रखा है यहाँ का मौसम। आज बारिश नहीं आई सुबह से और मस्त वाला मौसम हो रखा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया है, बिल्कुल उमस भी नहीं हो रही है, गर्मी भी नहीं हो रही है, जिसको बोलते हैं कि अच्छा मौसम। और आज यहाँ पे ना प्रीति और ये आलू पता नहीं कहाँ जा रखे हैं, मैं सुबह से देखी, सुबह तो थे यहाँ पे खेल रहे थे, उसका पता नहीं कहाँ गए। और आज ना मैं छत से आपको सुंदर सा व्यू दिखाऊंगी, ऊपर वाली छत से, यहाँ से। ये तो ये नीचे वाला छत है, यहाँ पे पहले यहाँ पे दरवाजा बंद करेंगे क्योंकि ना बंदरों का भी कोई भरोसा नहीं है कि कब आ जाए बंदर। और यहाँ पे ना मेरी एक फ्रेंड आई थी, वो हमारे घर पे आई थी ना, तो जैसे ही मैं यहाँ से अंदर ले गई ना उसको, उसने पता क्या बोला, अरे मैंने सोचा कि यहाँ पे ना कि कोई कंप्यूटर सेंटर है कि बाहर से, क्योंकि ना शीशे को देख के कहा कि मैंने सोचा कि तेरा कमरा ये वाला है और यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर है कि कोई। मैंने कहा नहीं यार, ये मेरा ही घर है, आ जा। तो हंसने लगे। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं आज ऊपर वाले छत से आज कितना अच्छा मौसम हो रखा है। कई दिनों बाद दिखने को लग रहा है आज ऐसा मौसम, नहीं तो ना यहाँ पे बारिश ही बारिश थी। तो आज अच्छा और सुहाना मौसम बोल सकते हैं यार कि बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। चारों तरफ आजकल हरियाली हरियाली, और देख सकते हैं सभी जगह है क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में ऐसी ही हरियाली होती है सभी जगह। तो देखो कितने ग्रीन ग्रीन जगह पर रहते हैं यार हम, सुंदर खूबसूरत जगह है यहाँ पे। और यहाँ से मैं आपको ना मसूरी दिखाऊंगी, भले दिखे ना दिखे, कितना दिखता है देखे, जो यहाँ पे है ये है मसूरी। और क्योंकि ना वहाँ पे धुंध लगा है जिस कारण मैं आप लोगों को ना साफ नहीं दिखा पा रही, देख सकते हैं ये। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है बिष्ट गांव, यहाँ पे ये जो ये दिख रहा होगा ना आपको, तो यहाँ पे ये लोग भी चल रहे हैं देखिए। तो पता नहीं ये यहाँ पे अपना घर का काम कर रहे होंगे। तो ये इस साइड है बिष्ट गांव, यहाँ पे ये, और बिष्ट गांव के ये दिख रहा होगा ना आपको, ये दिख रहा है ना बिष्ट गांव के बगल में ही यहाँ पे एक ये घना सा सुंदर सा जंगल है जो कि बीचों बीच सड़क है और बहुत ही सुंदर लगता है। मैं कई बार जा रखी हूँ, कई बार मैंने वीडियो भी बना रखी है वहाँ पे। जो ये दिख रहा होगा ना आपको, ये घना जंगल है तो इनके बीच में रोड है, सड़क है, इतना सुंदर नज़ारा है ना वहाँ का, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप सभी लोग। और मैं भी ठीक हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और केविन ने तो वीडियो की शुरुआत कर दी थी और मैं कर रही हूँ, शाम के 6 बज गई है
हाँ 6 बज गई है और मैं केविन का इंतज़ार कर रही थी और केविन तो आया नहीं है अभी तक। और मैं बोर हो रही थी क्योंकि मैं थोड़ी देर, जैसे केविन गया मैंने बर्तन उर्तन धोए, थोड़े उसके बाद मैं आराम किया, मैंने अभी मैंने थोड़ा सा पानी पिया गर्म, और मैंने कहा क्या करूँ, बाहर पर टहल ही रही थी, यहाँ पर अकेली हूँ बिल्कुल, और टहल रही थी, इधर उधर कर रही थी, मैंने कहा मैं क्या करूँ। तब तक पीछे आलू खिड़की से आवाज़ दे रही थी, मैंने कहा मैं चलो या फिर आलू और प्रीति से मिलने चलती हूँ। तो यहाँ से दिखा सकती हूँ मैं केविन को, ये देख सकते हैं, ये है केविन आलिया के घर पे। परसों वाली वीडियो में दीपक जी का मैसेज आया था कि वीडियो क्यों नहीं आई, तो वीडियो नहीं आने का कारण ये था कि आजकल ना बारिश ही बारिश लगी है इस साइड, बड़ी मुश्किल से आज के दिन में बारिश नहीं लगी है, नहीं तो बारिश ही बारिश लगी है, और जो कि इधर उधर जाना भी नहीं हो रहा है, और घर का रूटीन तो डेली वही होता है, झाड़ू पोछा, तो उसमें आप लोग बोर हो सकते हैं, तो मैंने स्किप कर दिया कल का दिन, मैंने कहा थोड़ा एक दिन मेरे लिए भी रेस्ट हो सकती है। और देखो मैं गेट पे पहुंचने वाली हूँ, मेरे पीछे बूजो आएगा, अभी देखना है, ये देखो दिख रहा आप लोगों को, ये पता क्यों आता है, ये इसलिए आता है कि मुझे बाहर छोड़ो, और इसका छोड़ने का टाइमिंग अभी नहीं हुआ, जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाएगा ना तब छोड़ते इसको थोड़ी देर के लिए बाहर। हेलो बूजी, हेलो बूजी, कोई कह रहा था ना कि ये आँख भी देखता है, कि बिल्कुल जी देखता है आँख, क्योंकि ना इसके बाल ऐसे घनघोर बाल है इसके आगे से, तो ऐसे लगता होगा ना कि आँख कैसे देखता होगा ये, तो नहीं आँख ऐसे देखता कि कोई अंदर ना ना पाए, चाहे बंदर हो चाहे कोई। बूजी बाहर जाना आपको, ये देखो इसके कान देखो है, देखो है, मैं बोलूँगी बाहर जाना, इसके कान देखो है, बूजी बाहर जाना आपको, ए देखो कान देखो इसको, बाहर के नाम बहस हो जाता है उसको, चल 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 चल, हाय हाय, इसमें बाहर जाने के लिए तो सब नखरे कर देगा वो, पता नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, नहीं आप अंदर रहोगे ठीक है, इसके कान देखो, कान देखो है, बूजी बाहर जाएगा, ऐ देखो कान देखो, अभी नहीं जाएगा बेटा ठीक है, थोड़ी देर बाद जाएगा मेरा बूजी बाहर। तो ये देख सकते हैं प्रीति, प्रीति की नानी, प्रीति की मम्मी, पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे भाई, क्या लेके आ रहे भाई, क्या दिखाना है, हाँ नहीं दिखाओ मत यार, छोड़ो रहने दो, दिखाओ मत। और प्रीति कहाँ गए थे आप, कहाँ गए थे मम्मी को लेने, हैं अच्छा, आज तो प्रीति की नानी जम रही भाई, क्या बात है, अरे नानी पीछे तो देखो, आज तो हीरोइन लग रहे भाई, तो कभी कह रहा था ना कि आलिया की मम्मी, आलिया की मम्मी ये है, आलू की मम्मी देखो कितनी छोटी है, अब बच्चे देखो इतने बड़े बड़े हो रखे भाई, आलिया की मम्मी क्या राज है, बोलती नहीं, अरे शर्माती है बहुत ज्यादा, ये पता नहीं क्यों शर्माती है ऐसे, देखिए देखो ये किसने लिखा, अरे आपने लिखा, आपने लिखा बेटा, अरे वाह, ये देखो जो आलिया को मैंने परसों कॉफियां दी थी तो उसमें देखो कितना अच्छा लिख रखा उसने, बहुत सुंदर बेटा, गाय दूध हवा पेड़, अच्छा और आपने क्या लिखा, स्कूल गए थे ना आज आप, हाँ अच्छी लड़की है, मैं देख रही थी आपको स्कूल जाए, आली नहीं गई नी स्कूल, पहले हर रोज जाती थी अब नहीं जाती है, अब क्यों नहीं जाती आलिया, क्यों नहीं जाते बेटा, जाया करो ठीक है, हैं ठीक है, अच्छा मन नहीं करता इसका, काम करने का मन करता है इसको, ये घर में क्या करती, खाना बनाती है, ओ हो गंदी बात बेटा, स्कूल जाया करो ठीक है, अब से जाएगी ना, जाएगी ना, हाँ बोलो जाएगी ना, जाएगी आली, जाएगी ना, स्कूल के नाम पे चिढ़ती है वो पता नहीं क्यों, तो जाएगी अब जरूर जाएगी, देखो उनको याद है जैसे कैमरा लगाया ना वो हाय हेलो करने लगे, देखो स्मार्ट बच्चे है भाई वो, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई बर्तन धो रहा है, कोई इधर उधर भाग रहे, बच्चे भी मस्त होके अंदर बाहर कर रहे हैं, अरे देखो ये अभी मार्केट से आई और कह रही कि अभी बर्तन धोने के मैंने दिन का खाना का, तो यहाँ पर बच्चे, तो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेला मैंने, बच्चे चले गए हैं अंदर, और मैं कह रही थी ना तो इसमें आ रखा था दीक्षा गोदियाल जी का कमेंट आ रखा था कि भाभी जी अगर हम इन बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बहुत अच्छा कमेंट था आपका, और ज़रूर देना भी चाहिए यार, मैं भी यही कहती हूँ कि ज़रूर दें और इनका भी सपोर्ट करें यार, अगर किसी के पास जैसे कुछ अच्छा है, अच्छा लगता है यार कुछ देने के लिए हो तो दे सकते हैं, क्यों करेंगे वो मना, तो मैंने उससे पूछा तो कह रहे कि नहीं नहीं ऐसा मना तो नहीं कर सकते हम, मना तो नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, वो भी खुश हो रखे हैं, बहुत अच्छा लगेगा उनको भी अगर मेरी वीडियो के माध्यम से उनको कुछ मिल जाए, सबसे बड़ी खुशी तो मुझे होगी यार, मैं भी चाहती हूँ कि उनकी हेल्प हो,
तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी ज़्यादा तो नहीं कर पाती, जितना हो सकता है मेरे से मैं भी उतनी ही हेल्प करती हूँ, क्योंकि इतनी वो तो हूँ नहीं हूँ मैं। पर यह है कि जैसे कुछ ना कुछ लाती रहती हूँ छोटे बच्चों के लिए, मम्मी पापा के लिए तो नहीं देती हूँ कुछ, पर यह है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। तो अच्छा, मुझे कितना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है ना। तो आप लोग भी ज़रूर, अगर है तो ज़रूर, हाँ, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है दीक्षा गोदियाल जी। और दीक्षा गोदियाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कमेंट रहा आपका, और डेली करते रहते आप तो कमेंट, तो हो सके तो ज़रूर दें इनको। इनका अकाउंट नंबर भेजूँगी मैं इसमें। ये देखो, ये हमारी बूजी भी आ गया है बाहर। ओ बूजो, तो अब नहीं सुनेगा मेरी एक बात भी नहीं सुनेगा, इतना चालाक है ना ये, बिल्कुल नहीं सुनेगा ये अब बात, पता, क्योंकि ये आ गया बाहर, अभी किसी की नहीं सुनेगा ये। बूजो, ये देखो, इग्नोर बूजी, बूजी, ये देखो, कोई मतलब नहीं, तुम डांटो चाहे कुछ करो, ये ऐसा है। ये देखा, दिखाऊंगी जैसे मैं इसके बगल में जाऊंगी ना, ये मुझे देख के उल्टा भागेगा, ना कि घर को भागेगा। चल घर चल, घर चल, ये देखो, ये देखो, देखा, बूझो बूझो बूजी, बूजी घर चल, चल घर चल, चल चल, ये देखो, ये देखो, उल्टा उल्टा जा रहा, घर का रास्ता है इस साइड, और ये उल्टा उल्टा भागेगा। ये देख सकते हैं तुम, केविन सीधा, मतलब इसके डैडी आए, और वो मतलब थोड़ा सा अंदर टीवी देख रहा था, जैसे ही वो उसके डैडी ने यहाँ पे बैग रखा, वो सीधा आया और बैग देखने लग गया, सामान क्या क्या ला रखा कि डैड ने, ये देख है, ये मेरे लिए ला रखा है, मैंने मंगाया था, हाँ, और ये दाल मंगाई थी, और ये मंगाए थे ओरियो, और ये क्या है, तो इतना सामान आ रखा है, ये भी मंगाया था, ये भी खत्म हो गया, बेसन मंगाया था, बेसन नहीं आया, ये आलिया को देंगे एक नीचे, है एक नीचे देंगे, आली प्रीति को देंगे नीचे, और एक हम खाएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं ला रहा, हाँ मैंने एक कुरकुरा दे दिया था आलिया को। तो आज की वीडियो एंड करेगा केविन, जो कि हमेशा की तरह करता है। तो गाइस, ये वीडियो यहीं पे एंड करता है, मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब मस्ट रहे और अपने काम में व्यस्त रहे।